हे इज अस्लान, आई एम योर साइंस टीचर। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर प्योर मैटर हैं ये, और सब्सटेंसेस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। अ मटीरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिविजिबल नहीं है। एक एलिमेंट एक ही तरह के, वन टाइप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है, और उसमें एक ही तरह के कई एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं जिन्हें आप आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक एलिमेंट एक ही तरह के कई एटम्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, और एलिमेंट क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं, स्टार्ट से हमने आज तक काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, और बाकी जो भी हम डेली लाइफ में पढ़ते रहते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसी तरह हमारे पास टोटल अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स वो 118 है। और दूसरे नंबर पर इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो 26 हैं वो आर्टिफिशियल हैं या मैन मेड आप उन्हें कह सकते हैं, वो लैब के अंदर बनाए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल आप फ्रांसियम कह सकते हैं, ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है एक, ठीक है। और 92 एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, तो ये हमारी नेचर के अंदर पाए जाते हैं। आप एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड वो क्या हैं, दीज आर मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर मेटलॉइड्स। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं। और आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको सारी मेटल्स नज़र आती हैं। फिर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी से हटकर एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि इधर ये लिक्विड हैं, सॉलिड हैं या गैसेस हैं, तो तब भी आप एलिमेंट्स को तीनों हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स आपको गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं, आपको लिक्विड्स में भी मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट जिस स्टेट में पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट है, उससे कम है अगर तो वो गैसेज हैं, और सबसे कम आपको लिक्विड स्टेट में एलिमेंट्स मिलते हैं। आपने एक और बात अपने जेहन में रखनी है कि मेटल्स ऑलमोस्ट सॉलिड होती हैं, सिवाय एक मेटल के जो कि मर्क्यूरी है, और वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। एलिमेंट्स की गैसियस स्टेट में एग्जांपल क्या हो सकती है, आप सबके जेहन में क्विकली आया होगा, ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन इज गैसियस एलिमेंट, और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसियस एलिमेंट्स हैं। लिक्विड की बात करें तो मैंने अभी आपको मर्क्यूरी बताया, तो मर्क्यूरी बेसिकली उसका नेम एक ग्रीक वर्ड से है जिसे हाइड्रागायरम कहा जाता है, और वहीं से इसका सिंबल है HG। और फिर सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम आयरन इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, हम सोडियम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, हम पोटासियम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब तक हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए। पहले नंबर पे हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जिसमें जो कि एक ही तरह के एटम्स पे मुश्तमिल होता है। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। और फिर हमने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम एलिमेंट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे भी आप इन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। और हमने उसकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम आगे बात करते हैं कि सिंबल्स क्या हैं। तो बेसिकली अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखना चाहता हूँ या कोई केमिकल फार्मूला लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वाटर, तो वाटर का फार्मूला क्या है, सब स्टूडेंट जल्दी से बोलते हैं सर H2O। ठीक है, अगर मैं इस H को ना लिखता और पूरा हाइड्रोजन लिखता और पूरा ऑक्सीजन लिखता, पूरे स्पेलिंग लिखता, तो वो एक और स्नैरियो बन जाना था। तो साइंटिस्ट ने उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया कि हम शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे हमें समझ आ जाए, और हम पीरियोडिक टेबल को भी उन्होंने आसानी से तरतीब दे लिया। अब वो जो शॉर्ट हैंड फॉर एलिमेंट है, या आप कह लें वन और टू लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है, जो वो क्या कहलाती है, सिंबल्स कहलाते हैं। और मैक्सिमम सिंबल जो हैं वो इंग्लिश नेम से ही लिए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रीक से या लैटिन बैकग्राउंड से आते हैं,
तो इस वजह से उनके सिंबल्स चेंज भी हो सकते हैं। सिंबल्स लिखते हुए स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि जब आप सिंबल लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर, अगर तो वो दो लेटर्स पे सिंबल मुश्तमिल है, जैसे कि सोडियम की बात करें, आयरन की बात करें, इधर मैंने मर्करी लिखा, तो फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो ये आपने जहन में रखना है। इट इज़ यूजली द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट टू लेटर या आमतौर पर किसी भी एलिमेंट के नेम का पहला लेटर हो सकता है या फर्स्ट टू लेटर्स हो सकते हैं। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ये फर्स्ट लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर होता है। और समटाइम्स सिंबल जो हैं वो ग्रीक या लैटिन बैकग्राउंड से भी आते हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की उसमें हम कॉपर की बात करते हैं, जैसे इसको क्यूपरम कहा जाता है ग्रीक के अंदर, तो इसी वजह से इसका सिंबल जो है वो क्यूपरम से सी यू लिया जाता है, तो कॉपर का सिंबल जो है वो सी यू है। फिर हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को अरम कहा जाता है लैटिन के अंदर, तो अरम से हम क्या कहते हैं ए यू इनका सिंबल ले लेते हैं। फिर सोडियम की बात करें तो इसे नटेरियम कहा जाता है, अब वो नटेरियम से हम फर्स्ट टू लेटर्स डिराइव करते हैं एन ए लिख लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के जेन में ये ख्याल आता है कि सर फर्स्ट लेटर ही हम क्यों नहीं लिख देते सोडियम का, एन ही क्यों नहीं लिख देते, एन ए क्यों लिखा हमने। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें समटाइम हम मिक्सअप कर जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का भी एन है। आपको मैं तीन एग्जाम्पल इधर देता हूं कि जैसे है नाइट्रोजन, फिर है निकल, ठीक है, और फिर नेटेरियम एक हमारे पास आ गई। अब आप देखें कि तीनों एन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्टार्ट वाला फर्स्ट लेटर जो है वो उनका एन है, तो हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सोडियम का एन ए फर्स्ट टू लेटर ले लिए, निकल के लिए नाइट्रोजन ले लिया, और निकल के लिए सॉरी दोनों लेटर ले लिए, और जो नाइट्रोजन है उसके लिए हमने फर्स्ट लेटर ही लिया जो कि एन है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि हम मिक्सअप ना हो सके इन सिंबल्स के अंदर। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम फर्स्ट टू लेटर क्यों लिखते हैं और एक ही लेटर समटाइम कैपिटल लेटर जो है वो क्यों लिखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल सबको पता है कि ये ओ है, बोरोन का सिंबल बी है, और आयरन का सिंबल जो है वो एफ है। तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो तब हम कंप्लीट नेम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम उनका शॉर्ट नेम जो है वो यूज करते हैं। अब इसमें याद करने वाली क्या बात है कि आप एलिमेंट्स की डेफिनेशन याद करें, आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन कौन से हैं उनकी एग्जांपल याद होनी चाहिए, नॉन मेटल्स की एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, मेटलॉइड्स की एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, और सेकंड नंबर पे सिंबल्स की अगर हम बात करें तो सिंबल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल्स कौन कौन सी लैंग्वेज से आते हैं, सिंबल्स होते क्या हैं, और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल एटलीस्ट हम अपनी क्लास में याद करेंगे। तो इसके लिए आपका होमवर्क जो मैंने डिसाइड किया वो होमवर्क भी यही है कि आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो याद करेंगे और वो आप अपनी कॉपीज के अंदर लिखेंगे भी। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो टुडे दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।